नमस्कार, हमारे सभी दर्शकों का सीएससी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। त्योहार आने वाले हैं, आखिर कहेंगे कि आ चुके हैं नवरात्र, दशहरा की धूम हम देख चुके हैं। इसके साथ ही दिवाली की शुरुआत से पहले एचडीएफसी टीम ने कुछ लॉन्चेस हमारे व्हीलीज के लिए किए हैं। हमेशा की तरह एचडीएफसी की जो सर्विसेज हैं वो व्हीलीज को उतने काबिल बनाती हैं कि जो ग्राउंड पे जो व्हीलीज कस्टमर्स हैं उन तक वो सर्विसेज पहुंच जाए जो कहीं ना कहीं किसी भाग तक अनछुई रह जाती हैं, छूट जाती हैं। तो आज एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन अनाउंसमेंट, तीन तीन ऑफर्स इस मंच से आपको सुनने को मिलेंगे। सबसे पहले बता दें कि एक पहला अनाउंसमेंट फेस्टिव ट्रीट है। जी हाँ, सही सुना आपने, त्योहार को बढ़ा मनाए, बढ़ा बनाए इस थीम से एचडीएफसी लेके आ रही है, जो अपने फोर्थ सीजन पे हैं वो कुछ ऑफर्स लेके आ रही हैं कि किस तरीके से एक्साइटिंग चीज़ें लोगों के लिए लेके आए और फेस्टिवल्स पहले से बड़े बने। दूसरी अनाउंसमेंट होगी उन बेनिफिशरीज के लिए जो सरकारी सेवाओं को सीधा अपने बैंक तक, जो उनका पैसा डीबीटी के तहत सीधा उनके बैंक तक जाता है, उनके लिए एक अनाउंसमेंट्स और एक्सप्लेनेशन यहाँ पे एचडीएफसी की टीम से दिया जाएगा। लास्ट पे दुकानदार ओवरड्राफ्ट, ओडी की वो सुविधा उन लोगों के लिए, उन दुकानदारों के लिए जो किस तरीके से लोन के तहत लोन ले सकते हैं एचडीएफसी से, और पैसा तभी जो फंड है वो जितना इस्तेमाल होता है उसी हिसाब से उनके खर्चे भी होंगे। तो ओडी कैसा है, किन दुकानदारों के लिए मददगार साबित होगा, इस पे डिटेल पे बताने के लिए एचडीएफसी की टीम इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि दिनेश लूथरा जी, जो समय समय पर एचडीएफसी के ऑफर्स हमें कई सालों से समझाते आ रहे हैं, लॉकडाउन में भी उन्होंने एक्सप्लेन से बताया हमारे विलेज को कि बैंकिंग की क्या सुविधा एचडीएफसी दे रहा है। तो दिनेश जी, जो इस वक्त एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हैं और बिजनेस हेड, साथ ही ऑल्टरनेट बैंकिंग चैनल और पार्टनरशिप देख रहे हैं एचडीएफसी टीम से, बहुत बहुत स्वागत है दिनेश लूथरा सर। या थैंक यू भगवती और सभी वीएलई भाई बहनों को मेरा नमस्कार। इस वक्त सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एचडीएफसी से रविंदर खोखर जी हमारे साथ मौजूद हैं। रविंदर जी हेड डिजिटल स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज देख रहे हैं, साथ ही ऑल्टरनेट चैनल इमर्जिंग एंटरप्राइज ग्रुप के हेड भी हैं। रविंदर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद भगवती। थैंक यू एवरीवन। एचडीएफसी टीम से अजय शर्मा सर इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़े हैं। अजय जी ही इज सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, हेड प्रेसिडेंट, साथ ही डिजिटल सॉल्यूशंस एंड प्रोसेस और ऑल्टरनेट बैंकिंग चैनल के हेड हैं। अजय जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मैं सभी भी सबको धन्यवाद करूंगा भगवती। थैंक यू वेरी मच और सब वीरी भाई बहनों को भी मेरा नमस्कार। इसके साथ ही सीएससी परिवार से हरीश ओबराय, जो बैंकिंग सुविधाएं हमारे सीएससी की तरफ से देखते हैं, हरीश जी थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, आपका भी स्वागत करते हैं। थैंक यू भगवती। थैंक यू वेरी मच आपको बताना फॉर एक्सिस्टिंग चाहेंगे आल्सो। जी थैंक यू हरीश, आपको बताना चाहेंगे कि सीएससी एमडी संजय राकेश कुमार भी और एचडीएफसी कंट्री हेड स्मिता मैम दे आर सपोज टू ज्वाइन, और आई थिंक शायद मीटिंग के दौरान वो हमें बीच में ज्वाइन भी करें और उनका हम बाद में सुनेंगे उनसे। लेकिन सेशन की शुरुआत करने से पहले एक वीडियो हमारे दर्शकों का के लिए है इस वक्त। कैन वी हैव दिस वीडियो प्लीज? इस वीडियो के बाद दिनेश जी सीधा आपसे बात करते हैं। तीन तीन अनाउंसमेंट इस वक्त आप हमारे वीलीज के लिए एक लेके आए भगवती, आई हैं। एम स्टार्टिंग द जी वीडियो दैट वाज अ लॉन्च। Thank you.
आपने वीडियो में एक छोटी सी झलक देखी कि क्या क्या अनाउंसमेंट्स, क्या क्या ऑफर्स इस वक्त HDFC की किटी में है, क्या क्या चीजें वो हमें इस वक्त इस सेशन में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले सेशन की शुरुआत दिनेश सर आपसे ही करते हैं, क्या ऑफर्स हैं HDFC के, क्या वीएलईज तक उनकी मदद हो पाएगी, किस तरीके से वीएलई उन्हें आगे कस्टमर्स तक उन्हें ऑफर कर सकते हैं। ओवर टू लुथरा सर। राइट, थैंक्स भगवती, गुड इवनिंग एंड अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी वीएलई भाई बहनों का इस सेशन में मैं स्वागत करता हूँ। यस, आज एक बहुत बड़ा दिन है हम सबके लिए, क्योंकि आज एक नहीं दो नहीं, जैसे भगवती ने बताया, हम तीन नए इनिशिएटिव्स का लॉन्च कर रहे हैं आप लोगों के साथ, और इसलिए बहुत खुशी है हमें और बहुत उम्मीद के साथ ये पूरा लॉन्च प्रिपेयर किया गया है। और आई एम श्योर जब आप इस सेशन को पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि काफी एफर्ट लिया गया है इन चीजों को बिल्ड करने के लिए। तो CSC और HDFC बैंक की जो पार्टनरशिप है, आई थिंक ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है, यू नो इट्स अ वेरी लार्ज एग्जाम्पल वेयर टू एंटिटीज जॉइंट इन साइज, HDFC बैंक एंड CSE, बोथ टुगेदर आर वर्किंग टुवर्ड्स ब्रिंगिंग अ बिग चेंज इन आर यू नो फॉर आर कंट्री। तो जो हमारी टोटल पार्टनरशिप है HDFC बैंक और CSE की, आई थिंक बहुत लोग यू नो इसको उदाहरण मानकर आगे बढ़े हैं और देखते हैं कि कैसे इन दोनों बड़ी एंटिटीज ने ओवर द लास्ट 3 years काफ़ी बिल्ड किया। और अगर आप देखें जो वीएलई भाई बहन हमारे साथ काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं और कुछ लोग जो समय के साथ जुड़ते रहते हैं, आई थिंक एक बहुत बड़ा डिफ्रेंशिएटर जो हमने बिल्ड करने की आप लोगों के साथ कोशिश करी है वो ये है कि जो भी प्रोडक्ट और सर्विस हमारी ब्रांच के अंदर HDFC बैंक की ब्रांच में जो अवेलेबल होते हैं वो सारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को हम आप लोगों के लिए उपलब्ध कराएं। तो उसका एक सिंपल ऑब्जेक्टिव ये रहा है हमारी सोच के पीछे कि आपकी आमदनी कैसे बढ़े। और इसीलिए यू नो टाइम बाय टाइम यू वुड हैव रियलाइज्ड दैट वी हैव बीन कमिंग अप विद न्यू इनिशिएटिव्स एंड टुडे मार्क्स अनदर बिग डे फॉर अस, बोथ फॉर अस एज वेल एज CSE, वेयर दीज 3 न्यू इनिशिएटिव्स हैव बीन यू नो आर गेटिंग लॉन्च्ड। Today, I think I'll take quick bits and I also have one of my colleague, Ravinder Kokarji bhi hain, jo dukandar OD ke upar specifically aapko detail mein jankari denge. But you know, sabse pehla launch jo initiative aaj hum aapke saath launch kar rahe hain, wo Festive Treats 4.0 hai. Festive Treats kya hai? I think aap में से बहुत सारे VLEs ऑलरेडी जानते हैं, हर समय हर साल इस समय जब त्योहार का समय होता है, जब फ्लड होता है, बुछार होती है त्योहारों की हमारे देश में, चाहे किसी भी धर्म महज के हों लोग, सबके लिए त्योहार इसी समय मनाए जाते हैं। तो उसमें एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन बैंक पिछले 3 साल से करता आ रहा है कि हम कोशिश करते हैं कि इस समय के ऊपर जब लोगों को जरूरत है लोन्स की, जब जरूरत है बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स की जो इस एनवायरनमेंट और इस टाइम के एप्ट होते हैं, तो कुछ ऐसे स्पेसिफिक ऑफर्स लेके आए। और इसमें हम डायरेक्ट टाइप्स करते हैं मैन्युफैक्चरर्स के साथ, OEMs के साथ, ताकि अच्छी डील्स हमारे कस्टमर्स को मिलें। पिछले 3 सालों में हमने काफ़ी कुछ देखा है, इनफैक्ट लास्ट 2 साल तो काफ़ी कठिन रहे, बट अभी आई थिंक कोविड से थोड़ा सुकून है सबके लिए। और इस बार का फेस्टिव ट्रीट्स 4.0 इसीलिए हमारे लिए बहुत बड़ा है क्योंकि हमें पूरी उम्मीद है कि यू नो इस बार जो त्यौहार है, जो त्यौहार बड़ा बनाने की हम बात कर रहे हैं, वो सबके लिए बड़ा बने, आप लोगों के लिए बड़ा बने, आप लोगों के कस्टमर्स के लिए बड़ा बने और बैंक के लिए भी बड़ा बने। किसी भी पार्टनरशिप के सक्सेस के अंदर जितने भी उसके स्टेक होल्डर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उन सब स्टेक होल्डर्स को कुछ ना कुछ फायदा मिले। आप ऐसे प्रोडक्ट्स HDFC बैंक के लिए कस्टमर्स को देते हैं जिसके कस्टमर्स को फायदा होता है, बहुत सारे लोन प्रोडक्ट्स और जो हमारे बाकी बेसिक प्रोडक्ट्स हैं जो हमने आप लोगों के साथ स्टार्ट किए, वो इसीलिए स्टार्ट किए ताकि जो आपके कस्टमर्स हैं उनका फायदा हो, उस कस्टमर्स को सेल करके आपको इनकम में फायदा हो और बैंक का भी फायदा हो। तो ये तीनों चीजें अगर फायदे में रहती हैं तो आई थिंक वो इनिशिएटिव बहुत सक्सेसफुल होता है। तो कमिंग बैक टू फेस्टिव ट्रीट्स 4.0, फेस्टिव ट्रीट्स 4.0 के अंदर हमने अपने सारे लोन प्रोडक्ट्स जो आप लोगों के साथ अवेलेबल हैं, चाहे वो पर्सनल लोन हो, टू व्हीलर का लोन हो, गाड़ी के लिए लोन हो, सोने के अगेंस्ट लोन हो, गोल्ड लोन जिसको हम बोलते हैं, घर के लिए अगर किसी को लोन चाहिए,
कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, क्योंकि इस समय में बहुत सारे लोग बहुत खरीदारी करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की खरीदारी होती है, मोबाइल फोन्स की खरीदारी होती है, नए कपड़े खरीदे जाते हैं, किसी को ट्रैवल करना है तो उसकी ट्रैवल की टिकट्स के ऊपर लोग पैसा खर्च करते हैं, तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन सब के ऊपर डिस्काउंट, लोन्स के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनकी दरें हमने बहुत कॉम्पिटिटिव रखी हैं ताकि कस्टमर को फ़ायदा हो इस समय के अंदर। जो प्रोसेसिंग फीस का एक एलिमेंट होता है किसी भी लोन में, उसके अंदर वेवर्स अवेलेबल हैं, उसमें डिस्काउंट अवेलेबल हैं, तो कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा त्यौहार जो फेस्टिव ट्रीट्स के नाम से हम आप लोगों के साथ मनाते रहे हैं, उसमें पूरा का पूरा जो जो उद्देश्य हमारा यही है कि ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आप अपने लिए यूज़ करें। आई एम श्योर आप लोगों को अपने लिए भी चाहिए और आपके जो जान पहचान के लोग हैं, आपके कस्टमर्स हैं, उनको बताएं। तो किस तरीके से ये पूरा प्रोसेस आपके पास डाउनलोड होगा, हमने बहुत सारी टाइल्स ऑलरेडी आप लोगों को भिजवाई हैं। इसके अलावा हमारी जो ग्राउंड की टीम्स हैं वो आप लोगों के साथ कनेक्ट करेंगी। एक पूरी बुकलेट है, 1000 से ज़्यादा ऑफर्स हैं जिसके ऊपर डिस्काउंट्स अवेलेबल हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है जो आप शेयर कर सकते हैं अपने जान पहचान के लोगों में, और जो ग्राउंड की टीम्स हैं वो आप लोगों को पूरी फुलफिलमेंट के अंदर सपोर्ट करेंगी। तो आइडिया यही है कि इस बार का त्यौहार बड़ा बने, सबके लिए बड़ा बने, और इसी उम्मीद से और इस फेस्टिव ट्रीट्स 4.0 के अंदर हम पूरा ये यू नो इंटेंशन शो कर रहे हैं कि ये पूरा का पूरा जो पूरा अपॉर्चुनिटी है, ये पूरी की पूरी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए अवेलेबल हो ताकि आप इसका फायदा उठा पाएं। तो पहला इनिशिएटिव, जो बहुत बड़ा इनिशिएटिव और हर साल हम आपके साथ जो इनिशिएटिव लॉन्च करते हैं, आज वो फेस्टिव ट्रीट्स 4.0 त्योहार को बड़ा बनाए लॉन्च हो रहा है। तो मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ कि आप इसको, इस पूरे इनिशिएटिव को सक्सेसफुल बनाएं और अपनी आमदनी बढ़ाएं। दूसरा इनिशिएटिव जो आज हम आप लोगों के साथ लॉन्च कर रहे हैं वो बेनिफिशियरी अकाउंट का इनिशिएटिव है, और हम ट्रैवल करते हैं, मैं बहुत सारे लोगों से आए स्टेट्स के अंदर, आपकी डिस्ट्रिक्ट्स में, आपके सेंटर्स के ऊपर जाके जब भी मैंने विजिट किया, तो एक फीडबैक जो सब जगह से हमें मिला वो ये था कि जो कस्टमर्स जिनके पास गवर्नमेंट स्कीम्स का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होता है, जिसको हम DBT कहते हैं, उनके लिए कोई स्पेसिफिक अकाउंट बिल्ड किया जाए और उसके अंदर बैलेंस की रिक्वायरमेंट ना रखी जाए। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट आप लोगों के लिए अवेलेबल कराया, और मुझे बोलते हुए भी बहुत खुशी हो रही है और मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, आप लोगों को भी कितनी खुशी हो रही होगी इस पूरे प्रोडक्ट के बारे में जान के कि आप ये अकाउंट खोल सकते हैं। इसमें आपको इंश्योर करना है कि जो DBT की सीडिंग है, जो आधार के बेस पे होती है, वो सीडेड हो और डायरेक्ट बेनिफिट कस्टमर के अकाउंट में आए। इसमें बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हमें बहुत फीडबैक मिला आप लोगों से कि अकाउंट खोलना चाहते हैं कस्टमर्स, बैलेंसेस भी मेंटेन करेंगे, मगर कई बार होता है कि स्टार्टिंग में एक दिमाग में एक साइकोलॉजिकल भी होता है कि हम बैलेंस नहीं देना चाहते, तो ये उस नीड को फुलफिल करेगा और हम उम्मीद करते हैं कि इसके अंदर आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। इस पूरे के पूरे अकाउंट के अंदर जो फीचर्स हैं वो बिल्कुल फीचर्स सारे के सारे जो नॉर्मल अकाउंट्स हैं उसके साथ इनेबल्ड हैं। इसके अंदर आपके पास लाइफ टाइम आप कस्टमर को फ्री डेबिट कार्ड दे सकते हैं, उसके साथ एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के कॉम्पोनेंट्स बिल्ड हैं, और भी जितनी भी सर्विसेज अकाउंट्स के साथ रिलेटेड हैं वो सारी इस अकाउंट के साथ इनेबल्ड हैं। इस पूरे प्रोसेस को लाइव हमने ऑलरेडी आपके डिजिटल सेवा पोर्टल पे कर दिया है, तो इस सेशन के बाद आप जाके देख सकते हैं, वहां पे आपको इसका ऑप्शन मिलेगा। आप बेनिफिशियरी अकाउंट में कुछ बेसिक डिटेल्स कस्टमर्स की डाल के वो लीड हमें मूव कर सकते हैं, और जो हमारी ग्राउंड की टीम है, द टीम विच मैनेजेस एंड इंटरेक्ट्स विद यू ऑन अ डेली बेसिस, दे विल इंश्योर दैट द क्लोजर हैपेंस एंड दे ओपन द अकाउंट। सो देयरफॉर यू नो दिस इज अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी विच इज अवेलेबल टू ऑल ऑफ यू टू ओपन you know beneficiary accounts for the direct money transfer which comes from government services. So that's the second product that we are launching, and you know this initiative can actually help you earn much more than what you are earning right now. Teesra product jiske andar in fact humne kafi kuch, in fact aap mein se kafi logon ko already humne road shows ke upar thoda bahut information already diya hai, aur ek pilot bhi humne run kiya kuch states ke andar, is dukandar OD ka jo product hai। दुकानदार ओडी का प्रोडक्ट हमने इसलिए बिल्ड किया क्योंकि हमें रियलाइज हुआ कि
बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग आप सब वीएलई भाई बहनों को भी कुछ समय के लिए कुछ पैसे की जरूरत पड़ती है जब कहीं पे भी शॉर्टेजेस होती हैं और वहां पे कई बार प्रॉब्लम आती है, आप लोगों के चेक बाउंस हो सकते हैं और वो क्रेडिट असेसमेंट के अंदर नेगेटिव प्ले करती है। तो अगर कोई ओडी की फैसिलिटी हो जिसके अंदर आप शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट के लिए अपने पैसे को यूटिलाइज कर सकें और फिर जब जब उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए तो आप उसमें पैसा वापस डाल सकें ताकि इंटरेस्ट के ऊपर भी आपको बर्डन ज्यादा ना मिले, तो ये उस सोच को ध्यान में रखते हुए ये प्रोडक्ट बनाया गया है। दिस प्रोडक्ट इज एक्सेलेंट, इट इज फॉर स्मॉल मर्चेंट, स्मॉल शॉपकीपर्स लाइक यू, जो आपकी विसिनिटी में दुकानें हैं छोटी, उनको अगर छोटे रिक्वायरमेंट रहती है, ये 10 लाख तक की लिमिट का अकाउंट ओडी बिल्ड किया जाता है इसके अंदर। इसके अंदर कोई फाइनेंशियल्स आपसे नहीं लिए जाते, इसमें कोई कोलैटरल आपसे नहीं लिया जाता, ये सारी की सारी जो असेसमेंट है ये आपकी बैंक स्टेटमेंट के बेस के ऊपर करी जाती हैं और आपका बेसिक क्रेडिट असेसमेंट किया जाता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, ये पूरी एंड टू एंड जर्नी है और इस पूरी जर्नी को करने के बाद यू कैन एक्चुअली फिगर आउट कि आपका स्टेटस क्या है एप्लीकेशन का। हमने इंटरनली बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम्स बिल्ड किए हैं इसके लिए ताकि आप लोगों को पूरा सपोर्ट किया जाए। आई थिंक ये आपके कस्टमर्स के लिए तो यूटिलाइजेशन आप कर ही सकते हैं इस प्रोडक्ट की, मगर उसके साथ यू कैन एक्चुअली यूटिलाइज इट फॉर योर ओन सेल्फ। सो देयरफॉर यू नो दीज थ्री प्रोडक्ट्स दैट वी हैव लॉन्च्ड टुडे आर वेरी वेरी बिग और मुझे हमेशा जब भी मैं आता हूँ इन सेशंस में मुझे बहुत खुशी होती है बिकॉज हम कुछ नई चीज लेके आ पाए हैं आपके लिए और ये तीनों चीजें जो हम लेके आए हैं ये बहुत बड़ी हैं अगर आप देखेंगे। और नेक्स्ट फ्यू डेज के अंदर इस पूरे इनिशिएटिव्स को हमारी ग्राउंड टीम्स भी आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगी, सीएससी की स्टेट टीम्स भी डिस्कस करेंगी और हम इंश्योर करेंगे कि आपकी जो भी क्वेरीज हों इसके ऊपर वो आपको इमिजिएटली उसका रेजोल्यूशन दिया जाए। यहाँ पे जर्नी खत्म नहीं है, यहाँ पे शुरुआत है, एक नई शुरुआत है आज जिसमें हमने तीन नए इनिशिएटिव्स लॉन्च किए। बहुत सारा फीडबैक हमें आपसे और भी मिला है और हम बहुत सारी चीजों के ऊपर आपके साथ अभी और काम। दिनेश सर facilities and much more are going to come in, और भी बहुत सारी चीजें लाइन अप हैं आने वाले दिनों में आपके लिए। तो विद दिस थॉट कि इस त्योहार को हम अपनी तरफ से आपके लिए बहुत बड़ा बनाएं, आप अपने कस्टमर्स के लिए बड़ा बनाएं, इसी कामना के साथ और गुड विशेस आपका और आपके परिवार को इस त्योहार के सीजन के लिए। एंड मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इन तीनों इनिशिएटिव्स का भरपूर फायदा उठाएंगे और अपनी आमदनी बढ़ाएंगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच दिनेश लुथरा सर, थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग तीनों प्रोडक्ट जो आप यहाँ इस प्लेटफॉर्म से लॉन्च करने वाले हैं, किस तरीके से क्या फेस्टिव ट्रीट्स हैं, बेनिफिशियरी सेविंग यानी डायरेक्ट ट्रांसफर टू बेनिफिशियरी डीबीटी की जो सुविधा है, कैसे वीएलईज नए बेनिफिशियरी अकाउंट्स खुलवा के अपना और उन बेनिफिशियरीज का फायदा कर सकते हैं, साथ ही दुकानदार ओडी क्या है और किस तरीके से वीएलईज उन लोगों तक संपर्क कर सकते हैं जिन्हें सच में इसकी मदद मिलेगी। रविंदर जी, अब आप थोड़ा एक्सप्लेन बताएं कि दुकानदार ओडी क्या है, किस तरीके के लोगों से बात की जा सकती है, कौन इसका टारगेट ऑडियंस रहेगा, वीएलई कैसे लोगों से संपर्क करें, उसके बारे में डिटेल में जानकारी दें। थैंक यू भगवती, थैंक्स दिनेश फॉर समराइजिंग दैट वेरी वेल। सो ओडी और सीसी बेसिकली ये इस टाइप के बैंकिंग प्रोडक्ट है जो बैंक के लिए नए नहीं है, पर हिस्टोरिकली ये बैंक इन प्रोडक्ट्स को, अगर बैंक किसी कस्टमर को इन प्रोडक्ट्स को बैंक से अगर चाहिए तो बैंक अक्रॉस बैंक, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर बैंक हो या पब्लिक सेक्टर बैंक हो, आज तक ये प्रोडक्ट खाली किसके लिए अप्लीकेबल था, अगर कोई कस्टमर को सीसी या ओडी प्रोडक्ट चाहिए होता था तो बैंक उनसे बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन मांगती है। बैंक बोलती है कि आप अपना फाइनेंशियल लाइए, बैलेंस शीट लाइए, पीएनएल लाइए, आप अपना कोलेटरल स्टेटमेंट दीजिए, स्टॉक स्टेटमेंट दीजिए, तब जाके हम आपको कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। पर जब जो हमने समझा ग्राउंड पे जाके, फीडबैक मिला वीएलई से, तो जो छोटे व्यापारी हैं, जो एमएसएमई जो गवर्नमेंट अभी फोकस कर रही है, जो माइक्रो एमएसएमईज हैं, उन सब कस्टमर्स के पास ये सब डॉक्यूमेंट्स होते ही नहीं है, राइट। सो दिस दुकानदार ओवरड्राफ्ट प्रोडक्ट इज made customized and tailor made for those customers
whom do not prepare the financials, who do not provide the collateral, who do not have the collaterals to offers, and who do not have the balance sheets, etc. So it's a very simple end-to-end, completely digital product. Just basis 12-month digital bank statement, kuch hi minton mein, aur kuch details mobile ya apne DG Seva portal ke through agar hum dal ke VLEs ye check kar sakte hain ki kaun se customers eligible hain, aur agar wo approval aata hai to puri end-to-end process completely digital hai. So there is no involvement of any physical paperwork in that. So key features iski hai, if I request you to, you know, go to the next slides. So iske jo sabse bada iska benefit hai ki ye overdraft hai. To overdraft ka sabse bada benefit kya hota hai ki agar aaj ke time pe customer ko us paise ki zarurat nahi hai, उसके पास खुद का पैसा है, तो उनको कोई ब्याज भरने की जरूरत नहीं है. उनको वर्किंग कैपिटल, उसको पैसे की 10 दिन के लिए जरूरत है तो सिर्फ 10 दिन का ब्याज भरना पड़ेगा. तो फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने 1,00,000 रुपए की लिमिट सेटअप कराई है, उसमें से अगर वो 50,000 रुपया यूज करते हैं एक दिन के लिए, तो उनको सिर्फ एक दिन का ही ब्याज भरना पड़ेगा. 10 दिन के लिए यूज करते हैं तो 10 दिन का ही ब्याज भरना पड़ेगा. उसके ऊपर स्पेसिफिक जो स्पेशल स्कीम एचडीएफसी बैंक लेके आया है, वो ये लेके आया है कि इसके ऊपर कोई कमिटमेंट चार्ज नहीं है. कि अगर सपोज किसी कस्टमर ने लिया है, फेस्टिव टाइम में यूज किया, फेस्टिव टाइम के बाद यूज नहीं कर रहे हैं, तो बैंक इसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं लगाएगा कि हमने आपको 5,00,000 रुपए की, 10,00,000 रुपए की लिमिट दी है तो इसको आपको चार्ज करें. तो ऐसी इसमें इट्स अ कम्प्लीटली जीरो कमिटमेंट चार्ज प्रोडक्ट. इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत सिंपल है. ये 3 से 4 साल का मिनिमम विंटेज चाहिए कस्टमर का, कि वहाँ पे उसकी जो शॉप है वो 3 से 4 साल मिनिमम पुरानी होनी चाहिए. उनका जो बैंक बैलेंस है वो मिनिमम 10,000 रुपये होना चाहिए अगर वो 7.5 लाख तक की सुविधा लेना चाहते हैं तो. और मिनिमम बैलेंस 15,000 होना चाहिए फॉर ए 10,00,000 रुपीज़ फैसिलिटी. मिनिमम चर्न क्या होता है कि उनका जो बिजनेस, जो भी वो बिजनेस करते हैं, केमिस्ट शॉप है, गारमेंट शॉप है, जो भी शॉप है, उनमें उनका जो बैंक अकाउंट में उनका मंथली बिजनेस की सेल्स प्रोसीड्स आती हैं वो मिनिमम 50,000 रुपये होना चाहिए अगर वो ट्रेडर और होलसेलर है तो. और अगर सेलेक्टिव सर्विस प्रोवाइडर्स हैं तो वो मिनिमम 1,00,000 होना चाहिए. सो ये दीज आर द बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज. इसके बेसिस पे द एलिजिबिलिटी गेट्स डिसाइडेड. अभी इसमें हम बात करते हैं VLEs के बेनिफिट की. तो VLEs का ये पे आउट आप तक ऑलरेडी पहुंच चुका है, बट अगर हम इसको एक उदाहरण के लिए एक बेसिक कैलकुलेशन करके देखते हैं, क्योंकि ये एंड टू एंड डिजिटल जर्नी, अगर मिनिमम से मिनिमम आप एक VLE 10 केस भी करता है तो 10 केस कर, और एवरेज टिकट साइज हम 5,00,000 रुपए भी मानते हैं, सो एक VLE आराम से 40 से 50,000 रुपया इस प्रोडक्ट के, खाली इसी एक प्रोडक्ट के थ्रू कमा सकता है. तो दीज आर द फाइनेंशियल बेनिफिट्स फॉर VLEs. सो आई रिक्वेस्ट if a more focused is being provided on this, where you go into your vicinity, search out the chemist shops, hardware shops, and all kirana shops which are next to in your vicinity, and just all we have to ask for a 12-month digital bank statement. And these are the 3 simple steps of the disbursement. Ye 3 simple steps and disbursement ke liye. Pehla step hai sanction. तो उसमें जो डीजी सेवा पोर्टल के थ्रू आपको कुछ एक डिटेल्स भरनी है उसके अंदर, उसके डेमोग्राफिक्स बेसिकली, नेम, एड्रेस वगैरह, उसके जो KYC डॉक्यूमेंट्स है उसके हिसाब से, और 12-month की डिजिटल स्टेटमेंट अपलोड कर लिया है. उसके बाद विद इन 5 to 7 minutes कस्टमर गेट अ सैंक्शन. सो कस्टमर को उसी टाइम पे उनका डिसीजन और सैंक्शन उनको ईमेल और SMS के द्वारा उनको सूचित किया जाता है और कस्टमर को तुरंत सैंक्शन मिलता है. सेकेंड स्टेप इज कि कस्टमर को आपको गाइड करना है कि उनका KYC कंप्लीट करके और उनका अकाउंट ओपनिंग, ये आज की एग्जिस्टिंग प्रोसेस है. आप जो आज कोई भी बैंक में ऑलरेडी करंट अकाउंट खोलते हैं तो वही सेम प्रोसेस फॉलो करना है, इसमें कोई और नया स्टेप नहीं है. थर्ड इम्पोर्टेंट स्टेप इज अ डिजिटल एग्रीमेंट एंड द सेंक्शन लेटर एक्सेप्टेंस. सो ये स्टेप भी कम्प्लीटली डिजिटल है. यहाँ पे कस्टमर को कोई फिजिकल पेपर साइन नहीं करके, ओनली ऑन द प्रोवाइडेड लिंक कस्टमर हैव टू जस्ट रीड द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द सेंक्शंस एंड अप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट एंड चार्जेस एंड एक्सेप्ट दैट इफ द कस्टमर डू दैट डिजिटली विद इन अ डे फॉर अ
on a same day for a sole proprietorship and within one day for an individual, the limit get disbursed basically. So this, and summarily, these are the steps involved. So that's all from my side, Bhagwati. Thank you. Thank you, Ravinder ji. We do have a small video with us. वीडियो चलाने से पहले आपको बता दें कि हमारे सीएससी के एमडी एंड सीईओ संजय सर ने हमें ज्वाइन कर लिया है. संजय जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. और इसके साथ ही स्मिता भगत मैम भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और कुछ देर में ही हम इनसे बात करेंगे. सार्थक, कैन वी हैव द वीडियो? थैंक यू संजय सर, आप हमारे साथ अगर जुड़ चुके हैं तो आपसे बात करना चाहेंगे हमारे वीएलईज कि समय समय पर जो एचडीएफसी सुविधाएं लेके आ रहे हैं हमारे जो बीसीज हैं, आई एम श्योर कि किसी ना किसी तरीके से वीएलईज ने इसका फायदा उठाया होगा जो भी सुविधाएं हमारे साथ एचडीएफसी की लॉन्च हुई है. तो इसमें सर आपके व्यूज और थॉट्स हमारे वीएलईज जानना चाहेंगे. ओवर टू यू संजय सर. सर अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, आप म्यूट है इस वक्त. थैंक यू भगवती और थैंक यू स्मिता भगत मैडम एंड उनकी एचडीएफसी टीम, सीएससी की टीम और हमारे सारे वीएलई भाई बहन. हाँ, सो आज बड़ा अच्छा दिन है. एचडीएफसी ने इस साल के लिए त्योहार को बड़ा बनाए स्कीम के तहत कुछ नई इंसेंटिव स्कीम्स लॉन्च की है, उनके लिए उनको बधाई हो और हम उनको आपके बिहाफ पे प्रॉमिस करते हैं कि इस स्कीम का फायदा सबको मिलेगा और एचडीएफसी विल आल्सो गेट ए गुड बिजनेस आउट ऑफ इट. फेस्टिवल सीजन फुल स्विंग पे है. आई थिंक थोड़ा सा हम लेट हो गए ईस्ट इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ईस्ट इंडिया में दुर्गा पूजा के साथ आधा फेस्टिवल निकल गया है, बट वेस्ट इंडिया साउथ इंडिया में अभी है. और ये जो स्कीम्स उन्होंने लाई हैं, खास करके दुकानदार ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो उन्होंने शुरुआत की है, जो हमारे सारे वीएलईज के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है इस सीजन में, जबकि वो बड़ा बिजनेस ज़्यादा टर्नओवर का बिजनेस कर सकते हैं, तो इसका वो फायदा उठाएंगे. और बाकी जो इस त्यौहार के अवसर पर लोगों की जो फेस्टिविटी है उसमें लोगों को कंट्रीब्यूट करा पाएंगे. एचडीएफसी सीएससी का एसोसिएशन काफ़ी लंबा रहा है और काफ़ी फ्रूटफुल रहा है. पास्ट में भी हमने कई अच्छे वेंचर्स ज्वाइंटली किए हैं और उसी की कड़ी है ये. ये शायद चौथा साल है जब ये लॉन्च हो रहा है, हम इसको बढ़ाएंगे और प्रूफ ऑफ पुडिंग लाइज इन ईटिंग. तो देखते हैं कि हमारे सारे वीएलई इस स्कीम का कितना फ़ायदा उठा कर करके अपने एरिया में इसको फैलाते हैं. एचडीएफसी की डेडिकेटेड टीम है फील्ड में, हमारी टीम है फील्ड में, जो किसी कस्टमर को कुछ भी जानकारी चाहिए तो वो उसको दे सकते हैं. तो वीएलई अगर खुद एक्सप्लेन ना कर पाए तो वो उनका हेल्प लेकर के भी उसको बता सकते हैं कि क्या है. सो आई विश हिम ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी Diwali and good festival for everybody. So let's hope it will be a big bonanza for all our VLEs and their customers. Thank you. Thank you so much, Sanjay sir. I'm sure जिस तरीके से आपने कहा कि बड़ा त्यौहार हम बड़ा बनाएंगे, तो I'm sure HDFC के साथ VLEs उन सभी लोगों का त्यौहार बड़ा बनाएंगे जो कहीं ना कहीं छूट जाते थे. स्मिता मैम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस. आपने सेशन ज्वाइन किया हमारे साथ. अब आपसे बात करना चाहेंगे कि जैसे संजय सर ने कहा, काफी लंबा सफर रहा है एचडीएफसी और सीएससी का और फ्रूटफुल भी रहा है. इस पे आपके थॉट्स मैम और जो फेस्टिविटीज ऑफर्स आप लॉन्च कर रहे हैं उस पे हमारे वीएलई से बात करिए. ओवर टू यू मैम. मैम आप म्यूट है, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए. Sartha, can you help her?
मैम अनम्यूट नहीं कर पा रही अपने आप. जी मैम. Thank you, Bhagwati, as usual, for welcoming us. And thank you, Sanjay ji, for taking out time to launch this. Really, bhaiyon aur behno, aapke saath to baat karna hamesha bahut, it is a pleasure to always talk to you. Hum log har saal festive treats launch karte hain aapke saath. Aur is saal, do saal, dhai saal jo hamare last nikle hain, उसमें हमारी जो फेस्टिव ट्रीट लॉन्च भी किए उसमें कंज्यूमर्स का इतना पार्टिसिपेशन नहीं था बिकॉज ऑफ कोविड एंड रिस्ट्रिक्शंस एटसेट्रा. ये साल ऑलमोस्ट टू एंड हाफ इयर्स के बाद पहला ऐसा टाइम आया है जब लोग खुल के अपनी फैमिली के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ फेस्टिव सीजन बना रहे हैं और हमें सभी का फेस्टिव सीजन और भी बढ़िया करना है. उसी के लिए HDFC बैंक आपके लिए बहुत से ऑफर्स लेके आई है और ये जो दुकानदार ओडी का प्रोडक्ट है ये बैंकिंग इंडस्ट्री में पहली बार लॉन्च हुआ है, किसी बैंक ने छोटे मर्चेंट्स के साथ किया है. और आप लोग जहां भी हैं नियर बाय योर प्लेसेस देयर आर स्मॉल शॉप्स, छोटे दुकानदार हैं जिनको आप ये फैसिलिटी दे सकते हैं. और जैसे कि रविंदर ने बताया, दिनेश ने बताया, इट कैन बिकम अ वेरी गुड सोर्स ऑफ अर्निंग फॉर यू. आपके आसपास बहुत सारे मर्चेंट्स हैं, सबको अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए लोन की रिक्वायरमेंट होती है और आज की तारीख में एकदम सिंपल जो डॉक्यूमेंटेशन किया है आप लोगों के लिए, मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप उनका फेस्टिव सीजन भी अच्छा बनाओ, अपना फेस्टिव सीजन भी अच्छा बनाओ. दिवाली तक हर अगर वीएली 2 से 3 केस करता है, मैं ये नहीं कह रही सब कुछ एकदम इमीडिएट जाएगा, थोड़े चैलेंजेस आएंगे पर हम सीख लेंगे. और हमने अगर 2 या 3 केस कर लिए हर वीएली ने तो आगे हम बहुत अर्निंग इससे कर पाएंगे. तो अगर आप नेक्स्ट 15 दिन में आपके आसपास जो भी बढ़िया अच्छे दुकानदार हैं उनको आप जाके ये प्रोडक्ट देते हो और उसके साथ साथ उनका इंडिविजुअल सेविंग्स अकाउंट, उनको क्रेडिट कार्ड और जो भी अदर प्रोडक्ट्स हैं बैंक के वो देते हो, तो आपकी भी अर्निंग अच्छी होगी और आपकी एंगेजमेंट, आप नए कस्टमर ला पाओगे और आप अपनी और उनकी दिवाली दोनों बहुत अच्छी बना पाओगे. दूसरा, ये जो बेनिफिशियरी अकाउंट है ये तो आपके आसपास गवर्नमेंट जो है स्कीम्स में, चाहे वो फार्मर हो, चाहे वो लैंड एक्विजिशन हो, चाहे जिनको DBT ट्रांसफर आता हो, बहुत सारे लोग हैं जिनको आज ये अच्छे अकाउंट की रिक्वायरमेंट है और अगर उनमें अच्छे बैलेंसेस रहेंगे तो आपको सबको उनको लोन देना बहुत आसान हो जाएगा. तो मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए ये आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हुए कि आप इस फेस्टिव ट्रीट्स को अपने लिए बहुत ही फेस्टिव बनाएं. हर एक जना मिनिमम HDFC से 10,000 रुपए कमाए. आप अच्छा कमाओगे, आपका फेस्टिवल अच्छा होगा, हमारा भी फेस्टिवल अच्छा होगा. मैं आप सबको HDFC बैंक परिवार की तरफ से आपको और आपके परिवार को बहुत ही शुभकामनाएं फेस्टिव सीजन के लिए देती हूँ. विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी फेस्टिव सीजन, वेरी हैप्पी दिवाली एंड ऑल द फेस्टिवल्स विच कम फॉर एवरी कम्युनिटी टिल डिसम्बर. So there are almost all the big festivals related to all communities are coming up. Let's make everyone's life festive. Let's make everybody's life happier. I would request each one of you to participate and earn as much money as you can from the offers which are there from HDFC Bank. All the very best. And once again, a great festive season for each one of you and all your family members. Thank you very much. थैंक यू सो मच स्मिता मैम. थैंक यू सो मच स्मिता मैम. जैसे कि HDFC टीम ने, मैम ने बताया कि प्रोसेस को सिंपल सरल कर दिया गया है, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस छोटा कर दिया है, तो आई एम श्योर रिलीव विल अंडरस्टैंड दिस और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को वो इन फेस्टिविटीज ऑफर से जोड़ेंगे. अजय जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि वोट ऑफ थैंक्स दे और सेशन को यहाँ पे कंक्लूड करें. ओवर टू यू अजय साहब. थैंक यू भगवती, थैंक यू वेरी मच. और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा CSC के CEO एंड MD श्री संजय कुमार राकेश जी का और समस्त CSC फैमिली जो आज इकट्ठे आए और जिन्होंने इस फेस्टिवल सीजन को और हमारे नए प्रोडक्ट लॉन्चेस को एक शुरुआत दी.
साथ ही साथ मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सीनियर लीडरशिप ऑफ एचडीएफसी बैंक जो आज इसमें जुड़ी है और जिन्होंने तकरीबन 10,000 ऑफर जो है हमारे फेस्टिवल ऑफर के जो वीएलई नहीं बगैर वीएलई के कस्टमर्स के लिए भी जो एप्लीकेबल है उसको लॉन्च किया आज आपके समक्ष आपके साथ में। और साथ में ही दुकानदार ओवरड्राफ्ट एक ऐसा प्रोडक्ट जो छोटे दुकानदार शॉपकीपर होलसेलर ट्रेडर इन सब के लिए बहुत ही नायाब एक प्रोडक्ट है उसको लॉन्च किया। और अंत में बेनिफिशियरी अकाउंट, इसके साथ अब आप जितने भी बेनिफिशियरी हैं डायरेक्ट स्कीम्स के कहीं पे रोड एक्विजिशन हो रही है उन सबको अब आप सुविधा दे सकते हैं, उनको आप सर्विस कर सकते हैं अपने वीएलई सेंटर से। मैं वापस से आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा आज इस उपलक्ष्य पे जुड़ने के लिए एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी दीपावली एंड फेस्टिव सीजन। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच अजय जी। सेशन को कंक्लूड करें उससे पहले हमारे पास हमारे दर्शकों के लिए छोटा सा वीडियो और है जो बताएगा कि क्या क्या फेस्टिविटीज ऑफर्स इस वक्त हैं जो शायद इस सेशन में हमसे मिस हो गई हों। सार्थक, कैन वी हैव द वीडियो प्लीज। तो इसके साथ ही हम ये फेस्टिव सेशन यहाँ पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू एचडीएफसी टीम, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग सच ग्रेट ऑफर्स फॉर आर वीएलईज एंड द कस्टमर्स। आई एम श्योर कि ये जो कोलैबोरेशन है इट विल बी फ्रूटफुल और हमारे बहुत सारे वीएलईज बहुत सारे बेनिफिशरीज को इस त्योहारों के ऑफर्स के अंदर कवर करेंगे और उनका लाभ उठाएंगे। थैंक यू संजय सर, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम और हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे वीएलईज को गाइड करने के लिए। तो इसके साथ ही HDFC टीम को थैंक्स करके हम सेशन यहाँ कंक्लूड करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू।